अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम नरेशन के बारे में पढ़ते हैं। कल हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, आज हम पढ़ते हैं कि अगर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में हो तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। यानी अगर पास्ट कंटिन्यूस में सेंटेंस हो तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होगा। डायरेक्ट अगर डायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूस में सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट में इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करना होता है। मिसाल यहाँ है, अब्दुल्ला सेड द बॉय वाज रनिंग, ये तो पास्ट कंटिन्यूस में है। और पास्ट कंटिन्यूस में हम क्या लगाते हैं? पास्ट कंटिन्यूस में या तो वाज या वेयर लगाते हैं, वो प्लस इंग लगाते हैं। ठीक है, वाज या वेयर वो प्लस इंग तो बन जाता है वो पास्ट कंटिन्यूस। अब इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? अब्दुल्ला सेड दैट दैट, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा जब हम खत्म करते हैं कॉमा तो वहाँ लगाते हैं दैट द बॉय। देखिए ये वाज है, वाज रनिंग, ये पास्ट कंटिन्यूस है। अब इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम क्या बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जब हमें सेंटेंस को करना होता है तो हम हैड बी लगाते हैं। याद रखनी चाहिए, ये बात याद रखनी चाहिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम हैड बी लगाते हैं, वो प्लस इंग लगाते हैं। ठीक है, दैट द बॉय हैड बीन रनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, रैना सेड नगर वाज रीडिंग द न्यूज़ पेपर, ये तो पास्ट कंटिन्यू में। अब इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। सेड दैट कहते हैं अगर हैड बीन तो लगाते हैं रीडिंग द न्यूज़ पेपर। ठीक है, तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका है। नाउ जब होता है तो सेंटेंस में नाउ इसको हम इनडायरेक्ट में देन में चेंज करते हैं, दिस को दैट में चेंज करते हैं, दीज को दोज में, हियर को दियर में, दस सो, एगो बिफोर, हैंज देन, जस्ट देन, काम, कभी कभी गो में इस्तेमाल होता है, चेंज हो जाता है। टुडे है, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का भी प्रीवियस नाइट है, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, टुनाइट, दैट नाइट, ये इसके रूल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही सेड आई एम टू वीक टू मूव नाउ, अब इसको क्या करना है? इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? ही सेड दैट, यहाँ तो दैट लगा देंगे क्योंकि ही है और आई उसने अपनी जगह इस्तेमाल किया है। अब आई को हमें चेंज करना है ही में ही। ठीक है, ही सेड, उसने कहा आई एम टू वीक टू मूव नाउ, मैं तो इतना कमज़ोर हूँ तो मैं तो मूव अब नहीं कर सकता हूँ। अब इसको जब इनडायरेक्ट में करना है, चूँकि देखिए ही है, ही सेड, उसने कहा मैं, तो अब आई को क्या करना है? आई को तो ही में ही चेंज करना होगा। ही सेड दैट ही, यानी आई के बाद ही लगाना है। एम का पास्ट तो वाज है, क्योंकि ये डिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट में, और इसको भी पास्ट में ही करना है। दैट ही वाज टू वीक तो आएगा, टू मूव नाउ का क्या है? नाउ तो देन में चेंज हो, पहले ही आप ऊपर पढ़ चुके हैं, नाउ चेंज होता है देन में। ठीक है, रहीम सेड आई इंटेंड टू लीव फॉर जम्मू टू नाइट, रहीम सेड डेट, रहीम सेड, ये तो पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अब इस सेंटेंस को भी पास्ट में ही करना है, हालांकि ये प्रेजेंट में है, जो रिपोर्ट स्पीच है प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है। अब इसको रिपोर्टिंग स्पीच को भी पास्ट में ही करना है। रहीम सेड डेट ही इंटेंडेड, यानी सेकेंड फॉर्म लगा दी तो ये बन गया पास्ट, टू लीव फॉर जम्मू टू नाइट, तो ये टू नाइट है, यहाँ ये टू नहीं है, ये टू नाइट है, इसको तो डेट नाइट में चेंज करना होगा। दूसरा रूल है, इधर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अगर तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो ये अनचेंज्ड रहेगा, सिर्फ कामा खत्म करने के लिए कि डेट लगाते हैं। मिसाल He says the man shall now come, ये तो फ्यूचर में है। He says इसी तरह आएगा, that तो कामा जब ख़त्म कर दें, कामा ख़त्म कर दें तो वहाँ that आ गया, द मैन शाल नाव काम, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्ट इसी बीच भी प्रेजेंट या फ्यूचर में ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होती है। सिर्फ एक चेंज होती है कि कामा ख़त्म करते हैं और वहाँ that लगाते हैं। ठीक है, तो जो इसके नेक्स्ट रूल्स है कल इनके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बी रबसाल फिया।